हाई स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक अबाउट फोर ग्रुप डेटा की मेथड ऑफ फाइंडिंग को रिलेशन को अफिशियंट फोर ग्रुप डेटा ओके तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नया है तो जब हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ होगा तब हम कैसे उसका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे सो मेथड ऑफ फाइंडिंग को रिलेशन फॉर ग्रुप डेटा ओके okay? तो so, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड कब अप्लाई होगी तो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू लार्ज ओके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वह बहुत बड़े होंगे तब हम उसे क्लासिफाई करने के लिए जो टेबल का यूज करेंगे उसे क्लासिफाई करेंगे टेबल में उसे हम बोलेंगे बाय वेरिएट टेबल ओके जो आपने ऑलरेडी आई थिंक इलेवेंथ में पढ़ा है सेकंड यूनिट में इलेवेंथ में सेकंड यूनिट में आपने बाय वेरिएट टेबल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वैन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू लास्ट डेटा आर यूजली क्लासिफाइड इन टू अ टू वे टू वे टेबल नॉन एज अ बाय वेरिएट टेबल राइट बाय टेबल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सपोज हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हो एक हो मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड सेकंड की मार्क्स इन साइंस ओके मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन साइंस सपोज मार्क्स इन मैथमेटिक्स को हम डेनोइट करेंगे एक्स से एंड मार्क्स इन साइंस को हम डेनोइट करेंगे वाई से ओके okay? सो so, अब हम मार्क्स इन मैथमेटिक्स को लिखेंगे एक्स की एक्स एंड मार्क्स इन साइंस को लिखेंगे वाई देन एक्स को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है जो वेरिएबल एक्स है उसे ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है सपोज ये है जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी ओके ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटीन एज यूज वाई मीन वाई मींस मार्क्स इन साइंस जीरो टू टेन सॉरी जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी ओके सो ये हमें मार्क्स दिए हुए अब स्टूडेंट्स को जो भी मार्क्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके okay, कितने स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो जीरो टू फाइव के रेंज में मिलेंगे उसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स तो कितने स्टूडेंट्स को जीरो टू फाइव के रेंज में मार्क्स मिलते हैं एंड जीरो टू फाइव के रेंज में साइंस में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी राइट right? वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सपोज ये फ्रीक्वेंसी है टू राइट द फर्स्ट सेल फ्रीक्वेंसी इज टू मीन्स क्या हो जाएगा कि वो हम इंडिकेट करेगा कि देयर इज टू स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन जीरो टू फाइव इन मैथमेटिक्स एन ओके okay? उस तरह हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी देन यहाँ पे एक्स वेरिएबल है सो so यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लिखेंगे एन यहाँ पे वाई वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन है सो so यहाँ पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई ओके एन यहाँ पे लिखेंगे एफ वाई की वैल्यू वन बाई वन यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू ले ली देन लास्ट लास्ट में एफ एक्स एंड एफ वाई की टोटल वैल्यू मींस ये वैल्यू यहां पे दोनों की सेम मिलेगी ओके सो उसे हम बोलेंगे बाय वेरिएबल टेबल राइट ओके तो सपोज हमें इस टाइप का बाय वेरिएबल बाय वेरिएट टेबल दिया हुआ हो एंड देन हमें इसका यूज करके कोरिलेशन रिलेशन को फाइंड करना हो तब हमारे पास उसकी फॉर्मूला होगी कि r इज इक्वल टू को रिलेशन आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सीग्मा यूएफयू इन टू सीग्मा वी एफ वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सीग्मा यू स्क्वेर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वेर इंटू सेकंड रूट उसमें लिखेंगे एन सीग्मा वी स्क्वेर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी स्क्र ओके सो हमें इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है सो so, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हमें बाय वेरिएट जो टेबल होगा उसके लिए कोरिलेशन फाइंड करना है ओके सो फर्स्ट हम देखें कि सिग्मा एफ यू वी सिग्मा यू एफ यू ये सारी वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड कर सकते ओके okay? सो so, उसके लिए टोटल वन बाय वन सिक्स स्टेप है उसका यूज करके आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप इज कि सपोज हमारे पास टू वेरिएबल है वेरिएबल एक्स एंड वाई सो so, फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल होगा उसे हम डेनोइट करेंगे एक्स से कैपिटल एक्स से एन सेकंड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल उसे डेनोइट करेंगे कैपिटल वाई से ओके फर्स्ट वेरिएबल को डेनोइट करेंगे एक्स से एन सेकंड वेरिएबल को डेइनोवेट करेंगे वाई से देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल इज कैपिटल वाई है उसके लिए हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे सो so, यहाँ पे लिखेंगे नंबर टू कि मिड वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की जो मिड वैल्यू फाइंड करेंगे उसे लिखेंगे स्मॉल एक्स से एंड मिड वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई उसे हम लेंगे स्मॉल वाई ओके सो सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारे पास स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई होगी देन नंबर थ्री यू एंड वी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ऑप्टेन यू एंड वी ओके सो जिस तरह हम कॉल प्योशन मैथड में यू एंड वी की वैल्यू फाइन करते थे सेम यहां पे भी फाइन है यू इज इक्वल टू क्या लेंगे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स एंड वी इज इक्वल टू लेंगे कि y माइनस बी डिवाइडेड बाई सी ओके ये तो हमें पता है कि u को कैसे x x को कैसे u में कन्वर्ट करना है एंड y को कैसे b में कन्वर्ट करना है ओके देन नंबर फोर कि फोर इच क्लास ऑफ x राइट right? कि हमारे पास जो वेरिएबल एक्स होगे, उसके कुछ क्लास होगे, वो डिवाइडेड होगा ऐसे राइट ग्रुप में डिवाइडेड होगा तो उसके हर एक क्लास के लिए कि फॉर इच क्लास ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्लास ऑफ एक्स मल्टीप्लाई यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई यू एंड एफ यू कि एक्स के हर एक क्लास के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ यू एफ को सॉरी एफ यू एफ यू को धन हमें वैल्यू मिलेगी सिग्मा यू एफ यू की धेन सिमिलरली फॉर इच क्लास ऑफ वाई फॉर इच क्लास ऑफ वाई मल्टीप्लाई वी एंड एफ वी तो उस हमें वह तब वैल्यू मिलेगी सिग्मा वी एफ यू की वी की ओके सो यहाँ पे क्या करना है यू को उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन वी को उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन नंबर फाइव नंबर फाइव इज कि जो हमें यूएफयू यू, यू, एन वी एफ यू की वैल्यू मिलेगी उसे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बट यहां पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कि फॉर इच क्लास ऑफ एक्स राइट फॉर इच क्लास ऑफ एक्स यू वी सॉरी यू एफ यू मल्टीप्लाई यू फॉर इच क्लास ऑफ एक्स यू एफ यू मल्टीप्लाई यू देन हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे यू मल्टीप्लाई होता है सो सीगमा यू स्क्वेर एफ यू देन फॉर इच क्लास ऑफ वाई वी एफ वी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वी से देन हमें वैल्यू मिलेगी सीगमा वी स्क्वेर एफ वी ओके सो so, इस तरह हमें सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू एंड सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी की वैल्यू मिलेगी देन लास्ट फॉर ईच सेल एक सेल के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर ईच सेल ये ध्यान रख के करना है फॉर ईच सेल फाइंड प्रोड्यूस फाइन प्रोड्यूस ऑफ एफ यू एन वी प्रोड्यूस ऑफ एफ यू एंड ऑफ टेन एन ऑफ टेन एफ यू वी ओके एन ऑफ एफ यू वी फॉर इच सेल कि हर एक सेल के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास ये जो सेल होगा तो उस सेल पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एफ यू वी की वैल्यू देन यहां पे लिख देंगे एफ यू वी की ओके okay? देन ये जो टोटल सिक्स स्टेप है उसका यूज करके हम बायरिएट टेबल के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे ओके सो नाउ अब हम उसके रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे ओके okay? कि की वेरिएबल टेबल हमें दिया गया हो तो उसमें हम किस तरह कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है